पटना में बाढ़ के पानी में बह गए शिक्षक के बाद मुंगेर के शिक्षकों में डर का माहौल। मुंगेर में अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव से गंगा पार कर विद्यालय जाते शिक्षक। दरअसल पटना में जिस तरीके से घटना घटी है, एक शिक्षक जो नाव से स्कूल आते जाते थे वो बाढ़ के पानी में बह गए और अब तक काफ़ी खोजबीन के बाद भी उन्हें गंगा से बरामद नहीं किया जा सका है। वहीं इसको लेकर गंगा पार दियारा में नाव से गंगा पार कर विद्यालय जाने वाले शिक्षकों में एक भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि मुंगेर में गंगा पार पंचायतों के कई विद्यालयों के शिक्षकों की तत्काल डिप्टेशन मुंगेर मुख्यालय के कई स्कूलों में कर दी गई है, पर प्राथमिक विद्यालय सीतासरण जो गंगा के बीच टापू पर बना हुआ है, जाफरनगर दियारा में बसा है, उसे किसी कारणवश उस विद्यालय के शिक्षकों को मुख्यालय में डिप्टेशन नहीं दिया गया है, जिस कारण आज भी इस बाढ़ के समय में वे शिक्षक अपने जान को जोखिम में डालकर नाव से गंगा पार कर विद्यालय जाते हैं। जिस आपको बता दें, शिक्षकों ने बताया है कि जिस प्रकार से विद्यालय जाते हैं ऐसा डर लगा रहता है कि बाढ़ के पानी में उनके साथ कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। खासकर महिला शिक्षकों को पानी में घुसकर नाव पकड़ने और गंगा पार पानी में उतरकर विद्यालय तक उनके लिए जोखिम भरा होता है। महिला शिक्षकों ने बताया है कि जब हवा चलने लगती है और नाव डोलने लगती है तो काफ़ी डर लगता है, पर नौकरी है करना तो है। साइड उठना बिट्टू, का स्कूल बीच गंगा में है, उधर भी टापू है और इधर भी टापू है, बीच जगह पे है। जाते कैसे आप? जाते हैं बगुआ घाट में नाव पकड़ते हैं, फिर नाव से स्कूल से कुछ ज्यादा दूरी पर ही नाव रोक दिया जाता है, फिर हम लोग वहाँ से उतर के थोड़ा पानी में पैदल चलते हैं, उसके बाद स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल की क्या स्थिति है अभी? स्कूल के सर आगे पीछे पानी है, स्कूल के चारों ओर पानी है, सिर्फ स्कूल में पानी प्रवेश नहीं किया है। तो आप लोगों को बहुत भय लगता है सर, बहुत भय लगता है, लेकिन हम लोग की नौकरी है तो वो तो करना। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं फिलहाल तो बाढ़ का जो भी स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग कभी डिप्टेशन मुंगेर के किसी टाउन में कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। ठीक है। प्राइमरी स्कूल सीतासरण जाफरनगर में पता स्थापित। तो अभी कैसे आना जाना होता है? नाव से ही आना जाना होता है। बाहर मतलब जैसे तैसे मतलब है जाना है, और जैसे तैसे मतलब करके फिर आना होता है। जैसे पटना में हादसा हुआ है, उस हादसा के बाद क्या स्कूल बंद किया गया है कि खुला हुआ है, क्या कहें? देखिए पिछले बार भी मतलब बाढ़ का पानी 2-3 दिन के लिए विद्यालय में घुस गया था। मतलब विद्यालय जो है विभाग को व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई थी, और बाकी जो आर्मी मतलब स्वीकृत मतलब करवा लिए थे, एप्लीकेशन स्वीकृत करवा लिए थे, उनका तो मतलब हो गया प्रतिनियोजन, लेकिन मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी थी तो मेरे विद्यालय का प्रतिनियोजन मतलब नहीं हो सका, या मिस हो जाए चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे विद्यालय का शिक्षकों का प्रतिनियोजन नहीं हुआ। कितने शिक्षक हैं अभी? हम लोग 6 शिक्षक हैं विद्यालय में पदस्थापित। 6 शिक्षक में 2-3 शिक्षक का पद मतलब जो है पटना में सक्षमता परीक्षा के कारण जो है वो लोग मतलब चला गया है, और मतलब अभी जो है 2 महिला और हम एक शिक्षक मतलब है कि जाना आना डेली जाना। तो जाने में लगता है कि भय तो लगता होगा? जाने में जान को खतरा तो है ही, लेकिन नौकरी की सवाल है, जाना पड़ता है। क्या नाम हुआ? पांडव कुमार।